हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लाली प्रिंस प्रियांशना और आज हमारी ऑनलाइन फैब्रिक पेंटिंग की डिज़ाइन सीरीज़ के अंदर मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैंने कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। 60x60 का कैम्ब्रिक कॉटन का कपड़ा है और जो मैंने आज मोटिफ यूज़ किया है वो मैंने दोबारा एक सनफ्लावर बनाया है जो बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये सनफ्लावर का मोटिफ आप टी शर्ट्स पर बना सकते हैं, कॉटन की वाइट टी शर्ट्स पर, आप किसी भी ड्रेस पर, साड़ीज पर बना सकते हैं, बैग्स पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को बहुत इजी है। जो कलर्स मैंने एक्रिलिक फेविक्रिल के जो कलर्स लिए हैं वो मैंगो येलो कलर लिया है और ऑरेंज कलर लिया है। जो ब्रशेस मैंने यूज़ किए हैं वो फ्लैट ब्रश आज मैंने यूज़ किए हैं, दोनों फ्लैट ब्रश हैं, 2 और 3 नंबर के आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी क्लॉथ पे पेंटिंग कर रहे हैं पहले उसको वॉश जरूर कर लीजिए जिससे वो एक फ्लोई स्टेट में आ जाए और जो भी स्टार्च हो उसके अंदर से वो हट जाए और आपका कलर भी पक्का हो जाता है जब आप वॉश कर और बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर उस कपड़े को यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने शेडिंग किस तरह से करी है। पहले हमने येलो कलर लगाया, फिर दूसरे ब्रश से हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर लगाते हुए नीचे से ऊपर भी ले सकते हैं, ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पेटल्स हैं। हमें बस देखना होगा कि जहाँ लाइट है हम वहाँ डार्क से शुरू करें और जहाँ डार्क है वहाँ हम लाइट से शुरू करें। पेटल्स थोड़ी सी बड़ी हैं तो इसीलिए मैंने आज वाटर यूज़ नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट कलर यूज़ किया है। कलर मेरा थोड़ा फ्लोई स्टेट में है तो इसीलिए मैंने वाटर का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। पर अगर आपका कलर थोड़ा सा भी थिक हो तो उसमें आप थोड़े से ड्रॉप्स वाटर की डाल सकते हैं या प्राइमर की डाल सकते हैं और उसमें आप डायरेक्ट कलर करके येलो का बेस बना के देन उस पर ऑरेंज की शेडिंग दे सकते हैं। तो आप इस तरह से पूरा सनफ्लावर अपना कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि अपने हर सेशन के अंदर मैं कुछ आपको बुक लर्निंग्स की बातें भी करती हूँ। अभी मैं कुछ बहुत प्यारा सा सुन रही थी, यूट्यूब के ऊपर ही सुना था मैंने, पर मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहिए। तो उसके अंदर जैसे जो कोच थे उनको जो थे उनको उनसे पूछा जा रहा था कि इंटरनल जो है कंप्लीटनेस होती है वो हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण होती है, जो इनर सेटिस्फैक्शन होता है वो कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों मैंने भी अपनी लाइफ में ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि जब तक हम अंदर से कंप्लीट महसूस नहीं करते, जब तक अंदर से हम सेटिस्फाइड नहीं होते ना, तब तक हम बाहर से भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाते हैं। और मल्टीफेसेटेड एक जो सक्सेस होती है सभी आयामों पर अपने आप को खरा उतारने की जो एक एक हमारी जो कोशिश रहती है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि हम बार बार चेक करते रहें कि हम इंटरनली कंप्लीट महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अंदर से हम सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ में या नहीं हैं। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि आप अर्जुन को जब देखेंगे ना कि वो कितने अच्छे धुरंधर एक धनुर्धर थे, कितने अच्छे वॉरियर थे और साथ में वो इतने अच्छे डांसर भी थे, वो क्यों कैसे कहाँ उन्होंने इतना अच्छा डांस सीखा, तो हम ये मान सकते हैं कि वो अंदर से बहुत कंप्लीट एक इंसान थे और इसी वजह से वो बहुत सारे आयामों पर बहुत उनके लिए मुमकिन हो पाया, एक्सीलेंस उनके अंदर जो आ पाई डांस में भी, तो वो इसी वजह से आ पाई क्योंकि वो अंदर से बहुत बहुत सेटिस्फाइड थे। उन्होंने सच को जाना, जो उनका एक स्ट्रेंथ थी उसको उन्होंने बैलेंस को पहचाना उनके अंदर के, और फिर उसी वजह से वो हर डायरेक्शन में अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाए और अच्छी तरह से अपने आप को दर्शा पाए। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल और इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि जो लोग अक्सर फॉल्स मेहनत में फंसे रहते हैं ना, वो दिखाने के लिए सिर्फ मेहनत करते रहते हैं लेकिन ये मेहनत एक्चुअल में रियल नहीं होती, ये सिर्फ एक दिखावा होता है जो वो सिर्फ बिजी 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 होने का एक नाटक करते रहते हैं। और जब हम रिजल्ट देखें तो वो किसी भी काम को ना पूरा करने में सक्सेस उनको मिलती है और वो हर काम में जनरली हम देखेंगे कि उनका कोई काम पूरा ही नहीं होता टाइम। तो इसको हटाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सच्ची सक्सेस को और सेटिस्फैक्शन को अंदर की ट्रुथ और ऑनेस्टी से ही आती है, जो सच्ची सक्सेस होती है, जो सेटिस्फैक्शन होता है वो अंदर की ट्रुथ और ऑनेस्टी से ही आती है। और अगर इंसान लाइफ के हर एरिया में प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ति को अंदर की सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा और उसे देखना होगा कि अगर उसका इंटरनल बैलेंस थोड़ा सा हिला हुआ है तो उसको उस पर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिस व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन जो
मिल जाता है और वो अपने अंदर से कंप्लीट महसूस करने लग जाता है, तो वो बहुत ही मल्टीफेसेटेड सक्सेस भी उसको मिलती है दोस्तों। तो इतना प्यारा मुझे ये चीज़ लगी कि हम क्यों ना बार बार चेक करते रहें कि हमारे क्या पता जो भी एक्सटर्नल स्ट्रगल्स हों वो हमारे इंटरनल एम्प्टीनेस की वजह से हों, तो चेक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने किस तरह से ब्लैक आउटलाइन से इन सारी पेटल्स को किया है, जिससे थोड़ा सा हाईलाइट हो सके, और जो बीच का पार्ट है वो भी हम ब्रश, जो छोटा ब्रश है एक दो नंबर का ब्रश ले लेंगे हम, और एक वन नंबर या टू नंबर के ब्रश से ही मैंने आउटलाइन करी है। तो बीच बीच में बहुत इजी ये पैटर्न है सनफ्लावर का, आप भी बना सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया बहुत प्यारा लगता है, साथ में आप लीव्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ आपको फ्लावर बनाना सिखाया है, पर साथ में आप सैप ग्रीन कलर से लीव्स भी सनफ्लावर की ड्रॉ कर सकते हैं। बीच में आप देख पा रहे हैं मैंने ऑरेंज का शेड दिया है, ब्लैक कर दिया है, और बीच में आप छोटे छोटे सर्कल बना के भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या एक जो फ्री ब्रश पेंटिंग होती है उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो इसी तरह के डिज़ाइंस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँगी, बीच में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी इसीलिए थोड़ा डिले हो गया मेरे वीडियोस के अंदर। तो मेरे साथ बने रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी क्वारीज है आप 9829644744 पे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।